तो गाइस आप लोगों को आज हम दुमका के जो है यज्ञ मैदान में जो किस प्रकार बनाया जा रहा है दुर्गा पूजा का पंडाल, उसे आप दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं जस्ट जिला स्कूल के सामने। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो मेरा पीछे जो ग्राउंड दिख रहा है इसके जस्ट उस साइड जिला स्कूल है। और आपको मैं अभी पहुँचने वाले हैं जस्ट तुरंत ही यज्ञ मैदान, और यज्ञ मैदान का आप लोगों का दिखाने वाले हैं कि दोस्तों किस प्रकार वहां पर पंडाल बनाया गया है। दोस्तों 2022 का पंडाल बहुत ही जबरदस्त बनाया गया है दोस्तों, तो वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों। तो हम पहुंच चुके हैं झारखंड का उपराजधानी दुमका के यज्ञ मैदान में, और आप देख सकते हैं किस प्रकार यहां पर सजाया गया है। और यहां के जो मिस्त्री है उनका कहना है कि 7 पूजा से यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और यदि आप दुमका के कहीं से भी लोकल हैं, यदि आपको मौका मिलता है तो एक बार जरूर आइएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही अच्छा इस बार बनाया जा रहा है। और हम इससे जानकारी लेते हैं कि किस कब तक तैयार हो जाएगा, तो कुछ बोलिए। ये 7 पूजा से मेला स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर, और अष्टमी नवमी दसवीं विजयदशमी दिन रावण वध होंगे, और एकादशी दिन यहाँ घड़ा उतरेंगे। और यहाँ पर पूरा भीड़ लगते होंगे? भीड़ तो पूरा दुमका का भीड़ यहीं पर रहते हैं प्रत्येक साल। प्रत्येक साल लेकिन इस साल कुछ अलग होगा, इस साल उससे ज़्यादा होगा भीड़। यदि आप दुमका से हैं या फिर किसी जगह से हैं, यदि दुमका आना चाहते हैं देखने के लिए, तो बिल्कुल आइए और आपका स्वागत है यहाँ पर। और देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सजाया जा रहा है। तो अभी तो शुरू हुआ है सजाने का, अभी शुरू हुआ है सजाने के लिए, अभी धीरे धीरे और सजेंगे, जैसे दिन बढ़ते होते सजते जाएंगे। तो दोस्तों ये पंडाल आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अभी शुरू हुआ है सजाने का, और इनका कहना है कि बहुत ही अच्छा तरह से बनाया जाएगा। लास्ट के सातवीं आठवीं नवमी तक में बहुत ही अच्छा आपको धूमधाम को देखने को मिलेगा, तो आइएगा दोस्तों जरूर। देख सकते हैं यहाँ पर पंडाल बहुत सुंदर बनाया गया है दोस्तों, और यहाँ पर आ सकते हैं और आप नाच गान और बहुत सारे ड्रामा आएंगे और यहाँ पर देखकर आनंद ले सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरह से सजाया गया है दोस्तों, आपको सारा देखने को मिलेगा दोस्तों। ये शुरुआत है बस, बहुत सारे अभी काम बाकी है और चालू भी हो रहा है दोस्तों। और अभी देखते हैं पोखरा चौक का पानी। आप लोग सोचते होंगे कि पानी बिल्कुल पोखर का खराब होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, मतलब चल रहा है। तो आप देख सकते हैं सुंदर पानी है और आप बिल्कुल यहाँ पर नहा सकते हैं, सारी सुविधा दिया गया है दोस्तों। ये देखिए सीढ़ी के जस्ट नीचे पानी की बात करेंगे तो देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर। आप लोग सोचते होंगे कि बाजार का पोखर अच्छा साफ सुथरा नहीं रहता होगा, लेकिन आपको सारा दिखा दें दोस्तों चारों ओर घुमा घुमा के। चलिए दोस्तों देखिए पानी तो साफ सुथरा है, और सबसे खूबी की बात यही है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पोखरा चौक के सामने, यहीं पर जस्ट पोखर के सामने वेलकम टू दुमका लिखा हुआ है। अभी
लाइट नहीं जल रही है क्योंकि अभी दिन है, शाम हो रही है, जस्ट रात थोड़ा सा शाम अंधेरा होते ही लाइट जलेगी तो बहुत ही सुंदर देखने मिलेगा। तो दोस्तों वो भी दिखाएंगे बस। और आप देख रहे हैं पीछे जो एक बिल्डिंग देख रहा है, यही दुमका का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, जहां आपको फ्री में इलाज किया जा रहा है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, और भी अच्छा हम वीडियो बनाने की कोशिश करने वाले हैं। तो वीडियो को यहीं पर रखते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।